सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया को चौथे टेस्ट में जीता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन में इंग्लैंड की शुरुआत खराब हो गई। ईशांत शर्मा ने मोइन अली को भी चलता कर दिया। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने एलिस्टियर कुक का भी विकेट लिया। जब कुक आउट हुए तो नंबर तीन पर मोइन अली बैटिंग के लिए आए। जैसे ही मोइन मैदान में आए, भारतीय कप्तान कोहली ने कहा, वेलकम एट नंबर तीन। इस पर मोइन मुस्कुरा दिए। मोइन और कोहली बहुत अच्छे दोस्त हैं और चलते मैच में मैदान पर भी बातें करते हैं। मोइन अली ईशांत शर्मा की एक बॉल को खेलने के प्रयास में स्लिप में कैच दे बैठे। केएल राहुल ने स्लिप में बहुत ही क्लोज कैच पकड़ा और पहली बार में तो ऐसा लगा कि क्या गेंद जमीन पर लगी है। इस कैच का फैसला थर्ड अंपायर के पास गया। तीसरे अंपायर ने हर एंगल से इस कैच को देखा और पाया कि केएल राहुल ने बिल्कुल जमीन पर लगने से पहले ही अपनी उंगलियों से गेंद उठा ली है। केएल राहुल के इस कैच की सराहना तीसरे अंपायर ने भी की और माइक्रोफोन पर केएल राहुल के कैच की सराहना की। उन्होंने अपना निर्णय देते हुए कहा, फिंगर्स वर ऑन द बॉल, इट्स आउट। दोस्तों, टीम इंडिया इस टेस्ट में जीत पाएगी, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।